सभी ग्रामों में हम लोगों ने जहाँ विजिट किया, लोगों से संवाद किया, उनकी मांगे जो हैं, समस्याएं हैं, वो यहाँ पर अवगत हुई और साथ साथ में विभागों को निर्देश दिया। कुछ एक जगह रोड की छोटी टूट फूट की शिकायतें हैं, क्योंकि बारिश के बाद में रोडों में गड्ढे हैं और जल पलावन है, तो उस स्थिति में हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी और आरईडी को मौके पर स्थलीय निरीक्षण के लिए भी भेजा है और जो भी संभावित तुरंत प्रयास हैं वो करने के लिए बताया है। बिजली संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें त्वरित रूप से जहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सकता है, ट्रांसफार्मर का तार जर्जर है, इस प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी। और लाभार्थी परक स्कीम्स में मांग आधारित काफ़ी सारे प्रकरण आए आवास को लेकर के थे और नवीन राशन कार्ड को बनाने के लिए लेकर के, इन सभी को सैचुरेट करने के लिए संबंधितों को दिया गया है। कुछ ज़मीन के भी मसले हैं, उनमें भी त्वरित रूप से कार्रवाई हेतु लिखा गया है। और कुछ एक जगह हम लोगों ने संयुक्त टीम पुलिस की और राजस्व की, वे भी मौके पर भेजी है। प्रयास है कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं वे सब लोग एक आशान्वित हों और आश्वस्त होकर जाएं कि उनकी जो समस्याएं इंगित हो रही हैं उनका समाधान हम लोग करेंगे। प्रकरण आया है उसकी जाँच अभी विलंबित है, उस जाँच को पूर्ण करने के लिए निर्देश। तिरंगा अभियान जो है उसको बहुत ही व्यापक रूप से हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग ग्रामीण अंचलों में खुद भी जा रहे हैं वहाँ भी इस तिरंगा के सम्मान में, गरिमा में सबको बता रहे हैं कि इस अभियान को व्यापकता दें, इस अभियान का हिस्सा बने और स्वतंत्रता दिवस के दिन इस तिरंगे को अपने घर पर ज़रूर लहराएं। तिरंगा जो है वो एक सम्मानित राष्ट्रीय ध्वज है और उसकी सम्मान और गरिमा एक SOP के तहत ही होती है, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। और इस विषय में खास तौर पे गोंडा में हमारे जनपद के जो स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे वो शहरी हों और ग्रामीण हों, उन्होंने बहुत महती भूमिका निभाई है। उन्होंने इसको घर में निर्मित किया है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निर्मित हुए, तो इन सभी की आउटरीच भी बहुत अच्छी है और गाँव गाँव तक पहुँची।